नमस्कार दोस्तों, एम्पियन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 मई 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो अलॉन्ग विद इट्स PDF विद फुल डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश इज अवेलेबल ऑन एम्पियन अकेडमी ऐप। द कोर्स नेम इज 68th BPSC करंट अफेयर्स कोर्स इन इंग्लिश। पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इस सूचकांक का 20वां संस्करण प्रकाशित किया गया। भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसल कर 150वें स्थान पर आ गया है। नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है। डेनमार्क ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर कोरिया 180 देशों की सूची में सबसे नीचे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में किस महादेश का दौरा किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर सबसे पहले 2 मई को जर्मनी पहुंचे और वहां चांसलर ओला शॉल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फिर डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद इंडिया नॉर्डिक समिट में नॉर्डिक के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हिस्सा लिया। लौटते हुए पीएम मोदी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलते हुए आए। नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय दौरे के दौरान यूक्रेन पर भारत के पक्ष को स्पष्ट किया और वो पश्चिमी देशों को भारत का नजरिया समझाने में कामयाब लग रहे हैं। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोपनहेगन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में आयोजित की गई थी। भारत ने नॉर्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र यानी विशेष रूप से सागरमाला परियोजना में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। भारत और डेनमार्क के बीच हाल ही में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9। इनमें भारत में उत्कृष्टता केंद्र और स्मार्ट प्रयोगशालाओं सहित सुरक्षित तथा स्वच्छ जल के बारे में सहयोग का समझौता शामिल है। बयान में कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने अक्टूबर 2021 में डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की भारत यात्रा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरुण कपूर। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को 2 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार 2 मई को नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। हरिरंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। हिमाचल कैडर से पहली बार किसी IAS अधिकारी को प्रधानमंत्री के सलाहकार के पद पर नियुक्ति दी गई है। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव अभी कौन है? ये हैं डॉक्टर PK मिश्र। प्रधानमंत्री के एक और सलाहकार है, ध्यान में रखिएगा, उनका नाम है अमित खरे। तो 2 सलाहकार हो गए, अमित खरे और तरुण कपूर। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एम्पियन अकेडमी करंट अफेयर्स PDF की आवश्यकता क्यों है। एम्पियन अकेडमी PDF ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है, पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एम्पियन अकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन अकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में BPSC द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है, बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम 2021। Shift 1 और Shift 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे,
जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में दो परीक्षा हुई है, एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज्यादा प्रश्न एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन एकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा, साथ ही साथ एमपीएन एकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। एक महीने में 4 पीडीएफ मिलती है तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स में, ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स, इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे, तो कुल 18 घंटे में आप एक साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफी डिले हो गया है, इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट एक महीने पहले तक, तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। भारत में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। हाथी जनगणना 2017 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक 6,049 दर्ज की गई है। उसके बाद असम का स्थान है और तीसरे नंबर पर केरल है। न्यूज में क्यों है? प्रोजेक्ट एलिफेंट की 16वीं संचालन समिति की बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में मानव हाथी संघर्ष से निपटने एवं इसके प्रबंधन हेतु प्रमुख हाथी रेंज राज्यों में वन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने हेतु फील्ड मैनुअल लॉन्च किया है। इस मैनुअल को मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान WWI एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWFI के साथ मिलकर तैयार किया गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में स्थित ऐतिहासिक अनंग ताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली।
यह झील दिल्ली के मेहरौली में जोगमाया मंदिर के उत्तर में और कुतुब परिसर के उत्तर पश्चिम में लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था। इन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और इसे बसाने हेतु जाना जाता है। अनंत ताल का राजस्थान से एक मजबूत संबंध है क्योंकि महाराजा अनंगपाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है, जिनका किला राय पिथौरा ASI की सूची में शामिल है। भारत में 100वां यूनिकॉर्न का दर्जा हाल ही में किस कंपनी को मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओपन। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SME के लिए नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने IIFL की अगुवाई वाले ताजा फंडिंग राउंड में $5 करोड़ जुटाकर $1 अरब से अधिक का बाजार मूल्यांकन हासिल कर लिया है। ध्यान में रखिएगा, यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है, उस स्टार्टअप को कहा जाता है जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। इस शब्द को पहली बार कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में स्थित एक सीड स्टेट वेंचर कैपिटल फंड काउबॉय वेंचर्स के संस्थापक एलन ली द्वारा गढ़ा गया था। भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्थान पर तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन है। यूनान के हेराकलियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हर्षदा शरद गरुड़। 18 वर्षीय हर्षदा ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें 70 किलोग्राम स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम। तुर्की की बेक्टास कांसू ने रजत और मेंडोवा की हिंकू ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी वर्ग में हिस्सा ले रही एक अन्य भारतीय अंजलि पटेल कुल 148 किलोग्राम वजन उठाकर 5वें पायदान पर रही। हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य और 2021 में अचिंत्या शोली ने रजत पदक जीता था। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। न्यूज में क्यों है, इस संस्था के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के डिंडीगुल वन प्रभाग में ग्रे सिलेंडर लोरिस की एक आबादी का सर्वेक्षण किया। सिलेंडर लोरिस एक रात्रि चर जानवर है जो अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर व्यतीत करता है। लंबे और पतले अंगों, बड़े कान, नुकीले थूथन व आँख वाले काले या गहरे भूरे रंग के दुबले पतले जानवर के रूप में यह दिखाई देता है। ग्रे सिलेंडर लोरिस लोरिडे परिवार से संबंधित प्राइमेट की एक प्रजाति है। किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यह भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजायाफ्ता कैदियों के लिए शुरू की गई है जो 3 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं। ऐसे अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं और इन्हें कैद में रखने के कारण इसके परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसीलिए यह ऋण ऐसे कैदियों के परिवार के सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। इस योजना के शुरुआती चरण में ₹50,000 का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस पर 7% ब्याज दर लागू होगी। इस योजना को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रैन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। यह प्लांट एक शून्य तरल निर्वहन यानी ZLD संयंत्र है जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करती है। यह जो संयंत्र है वह 15 एकड़ भूमि में बनाया गया है जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। यह बाय प्रोडक्ट के रूप में DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रैंड्स विद सोल्यूबल्स का भी उत्पादन करेगा जिसे जानवरों के चारे के लिए बेचा जाएगा। भारत का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करना है। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कुमार। ये SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। रजनीश कुमार वर्तमान में HSBC एशिया पैसिफिक, LND इन्फोटेक,
हीरो मोटोकार्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। बतौर सलाहकार रजनीश कंपनी की विकास रणनीति पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अभी वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन हैं? वो हैं दिनेश कुमार खारा। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंद मूल चंदानी। भारतीय अमेरिकी IT विशेषज्ञ नंद मूल चंदानी के नाम की घोषणा CIA चीफ विलियम बर्न्स ने खुद की। मूल चंदानी के पास सिलिकॉन वैली में काम करने का 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। नंद मूल चंदानी की स्कूली शिक्षा दिल्ली में हुई है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज को किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2018। इसे वर्ष 2018 में नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को लोगों हेतु प्रासंगिक बनाने के आह्वान के लिए लॉन्च किया गया था। न्यूज में क्यों है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। इसका शॉर्ट फॉर्म है ANIC। तो इस प्रोटोटाइप चरण में नवाचारों की मांग के साथ 12 से 18 महीनों के दौरान चयनित स्टार्टअप को व्यवसायीकरण चरण में सहयोग करता है। विश्व बैंक ने भारत के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन $ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 47 मिलियन $। पूरे भारत में लगभग 1.8 करोड़ लोक सेवक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर कार्यरत हैं। यह परियोजना इंडिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क यानी CPF वित्त वर्ष 2018-22 के साथ जुड़ी है। इस ऋण की परिपक्वता अवधि 11 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट भी शामिल है। किस राज्य में स्थित एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इसका नाम पहले मियां का बाड़ा था। इससे पहले 2018 में राज्य के बाड़मेर जिला के बालोतरा इलाके में इस गांव का नाम बदलकर मियां का बाड़ा से महेश नगर हुआ था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है भी? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने कहा कि स्टेशन के गांव का नाम 2018 में मियां का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ था, जो कि अब हो गया है महेश नगर हॉल्ट। T20 क्रिकेट में किसी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय क्रिकेटर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी। IPL 2022 में बतौर कप्तान धोनी ने पहला मैच 1 मई को हैदराबाद टीम के खिलाफ खेला और 13 रनों से जीत भी दर्ज की। इस मैच से पहले ही रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में धोनी को वापस कमान संभालनी पड़ गई। धोनी अब T20 क्रिकेट में किसी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। धोनी ने 40 वर्ष और 298 दिन की उम्र में एक बार फिर से चेन्नई टीम की कप्तान अपने हाथों में ली। यह रिकॉर्ड धोनी से पहले राहुल द्रविड़ के नाम था, जिन्होंने 40 वर्ष 268 दिन की उम्र में राजस्थान टीम की कप्तानी की थी। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेविड वार्नर। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 5 मई को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना 89वां T20 अर्धशतक जमाया। इसके साथ ही वार्नर ने T20 क्रिकेट के क्रिस गेल का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने इस फॉर्मेट में 88 अर्धशतक अपने नाम किए थे। तीसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम है। इस प्रारूप में वार्नर के 400 छक्के भी पूरे हो गए हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सिंथिया रोजनबिग। USA की डॉक्टर सिंथिया को इनके शोध जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंध को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसका पूर्वानुमान के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है। वर्ष 2021 में प्रमुख पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेड ने पुरस्कार जीता था और 2020 में भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने पुरस्कार जीता था। पुरस्कार विजेता को $2.5 लाख के नगद पुरस्कार के अलावा प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर शॉल बास द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधायिका है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने
राज्य के पुनर्गठन का विधेयक भी संसद में पेश किया था और राज्य का बंटवारा कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभाएं हैं। तो ये तीसरी केंद्र शासित प्रदेश होगी जिसमें अपनी विधायिका होगी। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री है दिल्ली और पुडुचेरी में, लेकिन संविधान के मुताबिक यहाँ के प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं जो उपराज्यपाल के माध्यम से यहाँ शासन करते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है ये? परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दे दिया है। आइए इसी से संबंधित एक और प्रश्न को हल करते हैं। जम्मू और कश्मीर को लेकर गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रंजना प्रकाश देसाई। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र और देश के उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार सदस्य हैं। ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 82। इसी के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 83 से बढ़ाकर 90 का प्रस्ताव किया गया है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है। पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें नॉमिनेट होंगी। आइए इसी से संबंधित एक और प्रश्न को देखते हैं। परिसीमन के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की कुल कितनी सीटें होंगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 114। तो इस बायफरकेशन को समझिए, जम्मू क्षेत्र के लिए 43, कश्मीर क्षेत्र के लिए 47, कुल मिला देंगे तो 90 है, और POK में 24, सभी को मिला दीजिए तो 114 सीट होंगी। 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में है। इस मैप को भी ध्यान से देखिएगा, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। वर्ष 1995 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का आखिरी बार परिसीमन वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था। इस नए पुनर्गठन से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे जबकि 5 लोकसभा की सीटें होंगी। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में कितने करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2.42 करोड़। एग्जैक्ट संख्या देखेंगे तो यह है 2,42,22,444। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 2.48 करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए थे जो कि 2020 में घटकर 2.42 करोड़ हो गए। यह जन्म दर में लगभग 2.4% की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2019 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 76,41,000 से बढ़कर वर्ष 2020 में 81,15,000 के लगभग हो गई जो 6.2% की वृद्धि को दर्शाती है। कुल पंजीकृत मौतों में 60% पुरुष और लगभग 40% महिलाएं थी। तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई? जन्म को ऐड कर दीजिए, मृत्यु को घटा दीजिए, तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है 1,61,00,000। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार जन्म के समय सबसे उच्च लिंग अनुपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। यह वर्ष 2020 में लद्दाख में देखेंगे तो सबसे अधिक कितना था? 1,104। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, त्रिपुरा और फिर केरल का स्थान है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। वर्ष 2020 में जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्य कौन हैं? मणिपुर 880, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात है तीसरे नंबर पे 909 के साथ, हरियाणा 916 और मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मई 2022 में नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
40 आधार अंकों की। इस वृद्धि के साथ रेपो दर 4% से बढ़कर 4.4% हो गई है। आरबीआई ने महंगाई के दबाव में लगभग 2 साल बाद रेपो दर बढ़ा दिया है। मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 7% पहुंच गई थी, जो कि 4 ± 2 जो निर्धारित इन्फ्लेशन रेट है उससे 1% अधिक था। रेपो वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में आरबीआई, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR को 50 आधार अंकों की वृद्धि कर 4.50% कर दिया गया है। तो मई 2018 से लगातार इसमें कमी देखी गई थी, लेकिन 2 साल के बाद पहली बार वृद्धि की। थिंक टैंक एक्सेस नाउ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंटरनेट बंद यानी शटडाउन करने के मामले में भारत की रैंक क्या रही? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है विश्व में। भारत ने 2021 में 106 बार इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया, जबकि इसी वर्ष दुनिया में इंटरनेट बंद होने के मात्र 182 मामले सामने आए। देश भर में इंटरनेट बंद होने के ज़्यादा मामले जम्मू कश्मीर के हैं। राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। देखिए नुकसान कितना हुआ है इंटरनेट बंद होने से, सबसे अधिक भारत को ही हुआ है, 44.68 अरब रुपये का। और आप 5 साल का देखेंगे रिकॉर्ड, उसमें भी भारत नंबर 1 पे है 567 के साथ। सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान है। अमेरिका के स्टेट स्कूप टॉप 50 2020 की सूची में कितने भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2। भारतीय मूल के 2 टेक्नोक्रेट कृष्ण कुमार एडाथिल और निखिल देशपांडे को इस सूची में शामिल किया गया है। कृष्ण कुमार को स्टेट IT लीडर ऑफ द ईयर और देशपांडे को स्टेट लीडरशिप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका में हर साल सरकार को अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाने में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको MPN Academy ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। MPN Academy ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। फिलीपींस के मनीला में चल रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वांग झी यी। चीन की वांग झी यी ने मौजूदा विश्व चैंपियन और विश्व नंबर 2 जापान की अकाने यामागुची को फाइनल मुकाबले में हराया। सेमीफाइनल में भारतीय PV सिंधु को अकाने यामागुची ने हराया था, जिससे सिंधु को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। यह सिंधु का दूसरा कॉन्टिनेंटल पदक रहा। इससे पहले इन्होंने पहला पदक एशिया चैंपियनशिप 2014 में जीता था। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।